और यह है मेरे देश भारत की कहानी, जिसे सोने की चिड़िया भी कहते हैं। यहाँ सब मिलजुल कर भाईचारे और आदर भाव के साथ एकजुट होकर रहते हैं। परंतु एक दिन एक खतरे की आहट हुई और मेरे देश भारत पर दुश्मनों का आगमन हुआ, और आज मेरे देश भारत पर दुश्मनों का कब्जा है और मेरे वीर सबूत एक सच्चे देशभक्त के रूप में इस जंग को लड़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि वो एक दिन हमारी फतेह होगी और मेरा भारत फिर से हंसता खेलता हुआ नजर आएगा। तो आओ चलो, मैं तुम्हें अपने भारत देश की कहानी सुनाती हूँ, मेरे देशभक्तों की कहानी सुनाती हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। अठारह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया और मात्र 29 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और इस धरती माँ की बेटी मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी मेरे झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मैं अपने झांसी का आर्थ समर्पण नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने जान क्यों ना देने पड़े। मैदान जंग में मारना है, फिरंगी को हराना है। मेरी झांसी मेरी शान है, मेरी अभिमान है। वंदे मातरम, जय हिंद। इसके 4 साल बाद 1847 में भारत के एक और वीर सपूत मंगल पांडे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे, ने पहला स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजाया। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। देश सलामी इस तिरंगे को, जिस धर तेरा अभिमान है। सिर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है। यह आजादी की लड़ाई है गुजरे हुए कल से, आजादी आने वाले कल के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय, गरम दिल के तीन प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक, जिन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, ने स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ा।
भारत।